थैंक यू. बताइए हमारी ऑडियंस को कि मीट मिस्टर प्रिंस, मीट मिस्टर चैंग, मीट मिस्टर चैंग किस तरह की सीरीज होने वाली है और क्या कुछ देखने मिलेगा ऑडियंस को. वेल थैंक यू कि आप सब यहाँ पे हैं और मुझे अपनी बातें कहने का मौका भी मिल रहा है. आप जैसा आप सुन सकते हैं बैकग्राउंड में हमारी शूटिंग भी चल रही है मड में, मनीषा बंगलो में. ये फिल्म है मीट मिस्टर चैंग, प्रोड्यूस्ड बाय इरम्स एंटरटेनमेंट एंड मैं इरम आफ्ताब फरीदी जो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही हूँ. डायरेक्टेड बाय मिस्टर अश्विन कौशल जो कि इस बार डेब्यू कर रहे हैं. वो एक बहुत जाने माने एक्टर रह चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री के, बरसात एंड दामिनी, सूर्यवंशम, बहुत सी फिल्मों में आपने देखा होगा. तो उन्होंने सोचा कि देख देख के एक्टिंग कर करके कुछ नया किया जाए, तो इस बार वो डेब्यू कर रहे हैं. और हाँ, वी आर सो लकी दैट वी हैव अ काइंड ऑफ क्रू. और हमारे जो एक्टर्स हैं इसमें मिस्टर आदि ईरानी जो कि अरुणा ईरानी जी के ब्रदर हैं, वो बहुत जानी मानी हस्ती हैं जिनका नाम ही बहुत काफ़ी है. बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं जिनको हमने अपनी फिल्म में लिया है. और एक है मिस कल्याणी ठक्कर जो कि गुजराती फिल्म से है लेकिन उन्होंने काफ़ी टीवी सीरियल्स किए हैं, मतलब आपने डेली सोप में देखा होगा. तो मैं इस बहुत ही प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि हमने मीट मिस्टर चैंग फिल्म बनाई और ये चाइना, प्रो चाइना की हम बात करते हैं. हम ये सबको बोलना चाहते हैं कि हम इंडिया में रहते हुए भी बहुत रेसिज्म हुआ है और एंड रेसिज्म इज़ यू नो फार बैड, इट इज़ रियली बैड देन कोविड. एक इंसान के ऊपर जो जुल्म किया गया और जो तरीका अपनाया, एक इंसानियत ही ख़त्म हो गई. एक सोसाइटी में रहने वाला इंसान है, वो कोविड में क्या क्या प्रॉब्लम्स झेल रहा है. मैं थीम ही बता सकती हूँ, मैं स्टोरी तो नहीं बताऊँगी, लेकिन हमारी ये बहुत जब से कोविड स्टार्ट हुआ था हमारी पूरी रेकी चली. बहुत लोगों ने कोशिश की होगी तो हमने कहा क्यों ना पहला कदम हम उठाएं. और इरम्स एंटरटेनमेंट की तरफ से बींग एंड प्रोड्यूसर इरम फरीदी मैं अनाउंस करती हूँ कि मीट मिस्टर चैंग फिल्म बनाते हुए हमें बहुत ही ज़्यादा कहते गर्व महसूस हो रहा है सबके सामने लाना, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने कोविड के टाइम में देखा है कि इस तरह की चीज़ें रियल में हुई है. Yes. तो आपने ऐसा कोई इंसिडेंट देखा था सामने और एज अ प्रोड्यूसर कितना चैलेंजिंग था? बिल्कुल बिल्कुल. अभी आप कह सकते कोविड तो एक बहाना हो गया, कोविड बहाना इसलिए हो गया. ये रेसिज्म आज से नहीं है, ये बहुत सालों से है. शायद हमें एक मौका मिल गया या हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई और ऊपर वाले ने इस चीज़ से नवाज दिया कि हमें इतना अच्छा क्रू मिला, हमने पूरा डिसीजन लिया. क्रिएटिव प्रोड्यूसर मिस्टर फैज़ अली वागले, ईपी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मिस्टर दीपक राजेश सेठी एंड हमारी पीआर ब्रांड जैकी और बहुत हमारी क्रू प्रोड्यूसर हैं तनुजा रंगनाथन. इन हमने सब बैठे, हम सब ने डिसाइड किया कि यस वी शुड गो फॉर दिस मूवी. क्योंकि लोगों के बहुत से ख्याल आए कि नहीं इरम यू शुड नॉट गो विद दिस, यस है वैसा, क्यों नहीं हमें शुरुआत करनी चाहिए. हम ये नहीं कह रहे हैं कि चाइना ने सही किया है गलत किया है, हम एक चीज़ दर्शा रहे हैं. हम सिर्फ एक इंसान के अंदर का तकलीफ दिखा रहे हैं कि उसने क्या तकलीफ़ें झेली हैं. एक हम साथ में रह रहे एक सोसाइटी में रहने वाले इंसान के साथ कितना ज़्यादा गलत बिहेवियर किया जा रहा है. तो एक छोटी सी कोशिश है और हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे, हम किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहे, हम सिर्फ इंसानियत की बात कर रहे हैं. और मैं चाहती हूँ कि इस फिल्म के ज़रिए लोग ये महसूस कर सकें कि जब भेदभाव किया जाता है या रंग भेद की नीति जो भी अपनाई जाती है तो इंसान कितना बुरा फील करता है. मैम हमने बहुत कम देखा है कि किसी शूट पे कुछ प्रोड्यूसर आ रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि ये कितना हेक्टिक था आपके लिए या फिर कितना एंजॉय कर रहे हैं आज के दिन? वैसे कपिल शर्मा जी के शो में भी बहुत बोला जाता है और मतलब बहुत लोग भी बोलते हैं, बहुत अच्छा उनका वैसे शो है कि प्रोड्यूसर को पैसे नहीं मिलते, मतलब प्रोड्यूसर पैसे नहीं देते टाइम पे या प्रोड्यूसर खड़ूस होते हैं. तो मुझे नहीं मालूम, बट मैं अच्छी एक प्रोड्यूसर बनना चाहती हूँ और लोगों की दुआएँ भी मिली हैं. और मैंने ये चीज़ हमेशा अपनाई है कि मेरा सेट है, हमारी फिल्म की शूटिंग है, तो मैं लेट बिल्कुल, मैं आई केम इन टाइम. 7 बजे की शिफ्ट थी तो मैं टाइम पे आई और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि पूरी यूनिट को मैनेज करना इट्स नॉट अ इजी टास्क. हम दर्शक एक फिल्म को देखते कहते वाह क्या फिल्म बनाई है, खराब हो रही, क्या बेकार फिल्म है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर ने किया. लेकिन हमें पता है कि मास्टर से लेकर मास्टर शॉट से लेकर जो आपके जो इमोशंस होते हैं, जो क्लोजअप लिए जाते हैं, उसमें कितनी मेहनत होती, पूरी क्रू होती है, सेटअप ये वो, लाइटिंग, एवरीथिंग हैव टू बी सिंक्रोनाइज.
तो बहुत चैलेंजिंग है. जॉब लोग करते हैं, बिजनेस करते हैं, एंड फिल्म मेकिंग इज़ इन माई ब्लड. एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक प्रोड्यूसर के अंदाज में आप सबके सामने आई हूँ. लास्टली, ये फिल्म कब रिलीज होगी और कौन से प्लेटफॉर्म को टारगेट कर रहे हैं? हमने जो डिसाइड किया है, क्योंकि हम स्टेप वाइज जाना चाहते हैं, काफ़ी चीज़ें हमने सोच के रखी हैं कि ये करना है, लेकिन अभी शूटिंग के ऊपर हमने पूरा कॉन्सेंट्रेशन किया है. एंड हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे बिग प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं, लेकिन हम बिल्कुल जो हमारी चाइनीज़ एम्बेसी है या हमारी जो इंडियन एम्बेसी, हम उनको बोलना चाहेंगे कि मीट मिस्टर चैंग फिल्म को ज़रूर एक बार देखिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक इंसान के भाव को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं. तो पहले फिल्म बनेगी, फिल्म की आज शूटिंग है, और जल्दी हम पोस्ट प्रोडक्शन के बाद इसको फरवरी तक हम जरूर रिलीज कर देंगे. मीट मिस्टर चैंग, इसके अंदर सर किस तरह का किरदार है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए. किरदार तो मैं जो हमेशा करता हूँ, एक कमीना तो कमीना मतलब कमीना नहीं है, लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा है जो सर्टन चीज़ें जो आज की डेट में दुनिया में हो रही हैं उसके खिलाफ है. और ये जो चाइना में जो सर्टन चीज़ें हुई हैं कोविड वाली, तो एक चाइनीज़ के ऊपर है जो इस सोसाइटी में रह रहा है और जिसके ये अगेंस्ट है. ये नहीं चाहता, बिकॉज चाइनीज़ के अगेंस्ट हो गया ये आदमी, तो ये नहीं चाहता है कि भैया कोई चाइनीज़ जो है वो हमारे यहाँ पे रहे. तो किसी न किसी तरह से उसको मतलब टॉर्चर कर रहा है ताकि ये सोसाइटी छोड़ करके चला जाए. उसको प्रॉब्लम दे रहा है, उसको ये एहसास करा था कि तू चाइनीज़ है, तू इंडियन नहीं है, ऐसे टाइप का एक ये कहानी है जिसमें मेरा कैरेक्टर ऐसा है. पहला दिन का एक्सपीरियंस तो बहुत माइंड ब्लोइंग है, और एक नई प्रोड्यूसर है तो नई प्रोड्यूसर के हिसाब से बहुत प्रॉपर हैंडलिंग की है उन्होंने और बहुत सही तरीके से संभाला है. तो एज ऑफ नाउ तो आई एम वेरी कम्फर्टेबल. आगे मेरी यही विशेष रहेगी कि वो और अच्छा करें, क्योंकि एक शुरुआत छोटे से होती है, छोटे से फिर बाद में आदमी बड़ा बनता है. तो दैट्स व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू डू. सर, आप इतने टाइम से इंडस्ट्री में हो, यहाँ पे मेरी एक्टर ने हमने देखा कि डेब्यू करें या फिर एक दो फिल्म पुराने, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कुछ मतलब उनसे? जैसे आई कैन टॉक अबाउट मिस्टर चैंग जो बने हैं, उनका नाम चैंग ही है शायद रियल लाइफ में भी, तो उनके साथ में काम करने का मज़ा तो आ ही रहा है डेफिनेटली. थोड़ा सा एक झिझक कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको है, बिकॉज वो थोड़ा सा मेन लीड का कैरेक्टर कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा आदमी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है. जब मेन लीड करता है तो आदमी पर प्रेशर बहुत आता है कि भैया इस कैरेक्टर को किस तरह से किया जाए, क्या किया जाए. एंड फॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से, बिकॉज मैंने इतनी सारी फिल्में की हैं, इतने सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा आकर के सेट पर इमिजिएटली ढल जाना कैरेक्टर में थोड़ा सा ईजी है. बट स्टिल इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज क्या होता है कि जब पहली बार आप करते हैं तो थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहते ही हो. एक तालमेल जुड़ना एक्टर के साथ में, वो बहुत मतलब एक डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, बिकॉज एक अलग ही किस्म का कैरेक्टर होता है जिसके सोचने के ढंग अलग है, जिसके रहने सहने की ढंग अलग है. उसके साथ में जब हम साथ में मिलकर काम करते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेरे लिए भी हो जाता है, बट ऑन द होल काम करते हुए मुझे मज़ा आ रहा है, बिकॉज ही इज़ रेडी टू यू नो लाइक अपने आप को चेंज करने में और कैरेक्टर में ढलने के लिए और सीन में ढलने के लिए इमिजिएटली रेडी है ये. तो लाइक ही इज़ ईजीली लाइक क्या बोलते हैं उसको, चेंज ओवर वो दे देते हैं, और काफ़ी फास्ट उनका पिकअप भी है, बहुत अच्छा पिकअप है. मिस्टर चैंग जो सीरीज़ है, इसके अंदर किस तरह का किरदार निभाने वाली है, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं हमारी. सबसे पहले मैं मेरी ऑडियंस को नमस्ते कहूँगी. मेरा नाम कल्याणी ठाकर है. आपने मुझे काफ़ी सीरियल गुजराती प्लेज और मूवीज़ में देखा है. मीट मिस्टर चैंग एक बहुत खूबसूरत शॉर्ट फिल्म बन रही है आज यहाँ पर, और ये इरम्स एंटरटेनमेंट, इरम फरीदी जो मेरी बहुत पुरानी और बहुत अच्छी दोस्त है, वो प्रोड्यूस कर रही है, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेके आए हैं मीट मिस्टर चैंग. स्पेशली मैं इस शॉर्ट फिल्म के लिए कास्ट कैसे हुई ये बताना चाहूँगी. अश्विन सर जो डायरेक्टर है,
उनकी सिस्टर तनुश्री कौशल, हम साथ में मॉडलिंग करते थे, तो उसने बोला कि अश्विन एक कास्टिंग कर रहा है, एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट कर रहा है, तो गुजराती लेडी का कैरेक्टर है दामिनी बेन, तू थोड़ी फिट होती है उसके अंदर, तो तू फोटोज़ भेज दे। मुझे नहीं पता था तब किसका प्रोडक्शन हाउस है, क्या है। मैंने अश्विन जी को फोटोज़ भेजे, तो उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा रिच गुजराती फैमिली की एक लेडी है जो और अच्छी सोफिस्टिकेटेड और थोड़ी लाउड भी है वैसा कैरेक्टर है जो तुमको सूट करेगा, तो तुम करोगी क्या? तो मैं बोला अश्विन सर आप डायरेक्ट कर रहे हैं, आप इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, मैं सालों से आपको जानती हूँ, मैंने उनके साथ फिल्में भी की हैं। तो बोला मैं सर रोल भी पसंद आया तो मैं हाँ बोल दूँगी। फिर उन्होंने मुझे स्टोरी समझाई, मीट मिस्टर चैंग, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। तब तक मुझे प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं पता था, मेरी कास्टिंग हो गई, उसके बाद मुझे पता चला कि ये इराम्स एंटरटेनमेंट की शॉर्ट फिल्म है, और मुझे पता चला कि इराम तू बना रही है। तो बोलती दीदी मुझे भी नहीं पता था कि ये किस टाइप का कैरेक्टर था, क्या था, डायरेक्टर का कॉल था। तो फाइनली पूरे फ्रेंड सर्कल में ही ऊपर वाले की मेहर हुई और सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ ही मैं काम कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी कि मैं यहाँ पर आज शूट कर रही हूँ। जिस तरह से शूट हुआ है और जो ये सब्जेक्ट है, इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, एक बार लोगों के बीच में आएगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग जब देखेंगे, इतना अच्छा मैसेज है कि मैं बता नहीं सकती। स्पेशली हम भारतीय हैं और हमारी भारत की संस्कृति पूरे वर्ल्ड की संस्कृति से बहुत अलग है, और बहुत ज़्यादा हम सिंपल भी हैं और बहुत कलरफुल लोग भी हैं। फेस्टिवल्स, गेस्ट, ये सारी चीज़ों के जितने भी रिचुअल्स हमारे यहाँ पर होते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ जितनी कास्ट के लोग हैं, यहाँ जितने कॉस्ट्यूम्स हैं, यहाँ जितने खाने हैं हमारे भारत में, वो वर्ल्ड में और कोई भी कंट्री में नहीं है। तो हमारे यहाँ पर अतिथि देवो भव ऐसा बोला जाता है, मैंने अतिथि देवो भव माने हम हमारे जो भी गेस्ट होते हैं उनको भगवान बोलते हैं, और उनको अपने घर पे आते हैं तो भगवान की तरह रखते हैं। अब ये जो शॉर्ट फिल्म है वो ऐसे एक सब्जेक्ट पे दो कंट्रीज़ है जिसके डिस्प्यूट सालों से हैं, और वो पॉलिटिकली लोग उसको देखेंगे कि बहुत बहुत नाजुक सब्जेक्ट है ये, और इस सब्जेक्ट को डायरेक्ट करना और उसको अच्छे से प्रेजेंट करना, जो जिस हिसाब से स्क्रिप्ट है ना, मैं ज़्यादा आपको स्टोरी नहीं बता पाऊँगी वरना आपका मज़ा किरकिरा हो जाएगा जब देखेंगे, पर इतना सेंसिटिव सोशल सब्जेक्ट है, आप गारंटी है मीट मिस्टर चैंग देखेंगे ना, आपके आँख में आंसू भी आएंगे, आपको बीइंग अ इंडियन भारतीय होने का प्राउड भी होगा, और दूसरे ऐसे नाजुक सवाल हैं जो हमारे नॉर्मल लोगों के लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते कि ये ऐसा क्यों है, इस कंट्री के साथ हमारा ये रिश्ता क्यों है, वो कुछ सवालों के जवाब यहाँ मिल जाएंगे आपको वो 25-30 मिनट्स की शॉर्ट फिल्म में, बहुत बहुत बढ़िया मैसेज के साथ। मीट मिस्टर चैंग लेके इरम्स एंटरटेनमेंट आ रही है, और अनुराधा जी हमारी क्रिएटिव है, अख्तर जी हमारे DOP है, और अश्विन कौशल जी बहुत मंझे हुए डायरेक्टर है। मैं बता नहीं सकती हूँ जिस तरह से वो हमें परफॉर्म करके दिखाते हैं, एक एक सीन ऐसे डीप उतर के परफॉर्म करके, इम्प्रोवाइज करके, थिएटर के स्टाइल में जो जिस हिसाब से करवा रहे हैं, अब बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा होपफुली। और मेरे ऑपोजिट मेरे हस्बैंड का रोल मेरे बहुत पुराने और बहुत अच्छे दोस्त मिस्टर आदि ईरानी जी कर रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ, हम लोग बहुत एक्साइटमेंट में आज शूट कर रहे हैं, और होपफुली एज अ हस्बैंड वाइफ वो केमिस्ट्री आप लोग को दिखे और मज़ा आए। और मिस्टर चैंग के रोल में आपके लिए बहुत सरप्राइज है, वो बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत मंझे हुए कलाकार हैं, और उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी छोटी मोटी सब कास्टिंग है, सिक्योरिटी के रोल में भी, अशोक के रोल में भी मराठी के बहुत मंझे हुए एक एक्टर हैं, और टीम पूरी बहुत बढ़िया टीम है, और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर हम लोग बॉम्बे में मर्डर आइलैंड में शूट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।
थैंक यू सो मच। और मैं मीडिया और प्रेस और सारे चैनल वालों को नमस्ते कहना चाहूँगी, और मैं कहूँगी कि जब मिस्टर चैंग मीट मिस्टर चैंग हमारी शॉर्ट फिल्म आए तब ज़रूर देखिए। एक बहुत बढ़िया सुंदर सोशल मैसेज के साथ ये फिल्म आ रही है, और आई रियली गारंटी यू कि आप जब देखेंगे तो सच में आपको लगेगा कि वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं। थैंक यू सो मच। तरह की फिल्म में कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें कहनी होती है, बहुत ही अच्छा मैसेज है, आप किस किरदार में नजर आने वाले हैं? सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरा नाम राज पाटिल। ये जो फिल्म बन रही है मिस्टर चैंग, ये इरम एंटरटेनमेंट्स के प्रोडक्शन के बैनर तले ये फिल्म बन रही है, और ये ऐसा एक सब्जेक्ट है कि जैसे हमने इसमें रेसिज्म के बारे में एक जो मैसेज देना है राइटर को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, पूरी टीम को, वो मैसेज क्या है वो तो आपको शॉर्ट फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मेन कंटेंट ये है कि हमारी सोसाइटी में हर एक दूसरे मुद्दे को लेकर, इस जाति व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था हो, रंग हो, रूप हो, राज्य की व्यवस्था हो, इवन स्टेट के बारे में भी, जो हम जिसको लिंचिंग बोलते हैं, तो ये भी उस रेसिज्म का ही पार्ट है। रेसिज्म में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इसका कोई भी जात धर्म या कुछ नहीं है, एक दूसरे के ऊपर हमने सिर्फ लांछन करना, ये वही जो होता है उसके वजह से समाज के टुकड़े हो जाते हैं, और इंसान इंसान से इंसानियत के नाते नहीं मिल पाता। और जबकि आप सभी जानते हो कि ऊपर वाले ने हमको सभी दो हाथ, दो पैर, दो आँख, एक नाक, दो कान, ये सब जैसा इंसान बनाना है वैसे बना के भेजा है, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ हमने, हम इंसानों ने बदली कर दिया है। और ये जो फिल्म है ये एक ऐसा मैसेज देना चाहती है आप सभी को कि इससे एक सीख तो हो कि आप जब अपने इर्द गिर्द और आजू बाजू देखें, अपने आप को भी देखें, तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा कि आपने भी कभी कभी कहीं ना कहीं भेदभाव ज़रूर किया हुआ है। और एक बात तो है, ये भेदभाव जो है ना, यही बंटवारे का कारण होता है, और यही सबसे ज़रूरी बात है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे प्रोड्यूसर साहिबा का, इरम जी का, और हमारे जो डायरेक्टर साहब है, हमारी पूरी टीम है, मिस्टर जुनैद जी है, और बहुत सारे लोग हैं, अभी किन किन का नाम लो, और प्लस मेरे जो को आर्टिस्ट है, हम सभी लोगों ने मिल के इसमें एक अच्छा काम करने का प्रयास किया हुआ है। और मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ ये है अशोक करके, अशोक जो है उस सोसाइटी में एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर है, इंचार्ज है, और वो इस सब चीज़ों को कैसे टैकल करता है, एक ऐसा इंसान जो नौकरी के बोझ तले दबा हुआ है, जो पेट के लिए जी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आत्मा भी जिंदा है, जो रिवॉल्ट करना चाहती है, लेकिन सिर्फ पेट की मजबूरी होती है, और हर इंसान को कोई ना कोई मजबूरी होती है। तो जितना हो सके माँ सरस्वती की कृपा से मैंने इसमें प्ले करने की कोशिश की है। बाकी आप सभी लोग इस फिल्म को देखिए, एंजॉय कीजिए, और ज़रूर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये मैसेज हर किसी तक पहुंचे, इसलिए आप हर किसी तक, ये हमारी शॉर्ट फिल्म बोला जाता है लेकिन मैसेज बिग है, तो आप इस मैसेज को जरूर पहुंचाइए। जय हिंद। टैंग, टेल अस अबाउट द सब्जेक्ट एंड टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर। नमस्कार, सबसे पहले मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ, वो है जय हिंद। बहुत प्राउडली और बहुत गर्व से मैं इस शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, और आप लोगों को भी थोड़ा सा अचरज हुआ होगा कि मैं इस प्रकार से जय हिंद बोल रहा हूँ। ये पूरा फिल्म जो है वो इसी सब्जेक्ट पे है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इरम्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड को और डायरेक्टर अश्विन कौशल सर को, जो जिन्होंने इस प्रकार का बहुत ही सेंसिटिव तो नहीं बोलूँगा मैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को टच किया है। और इसमें मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो मिस्टर चैंग का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो इंडिया में पैदा हुए हैं, जिसके पूर्वज चाइना से आए थे। तो हम किस प्रकार से किसी प्रकार का रेसिज्म को हम झेलते हैं, और हमारे देश में बहुत सारे लोग जो नॉर्थ ईस्ट के हैं वो भी इस प्रकार के बहुत सारी समस्याओं से जूझ चुके हैं, और जब बाहर के राज्य के लोग उनके राज्य में जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनका बहुत स्वागत किया जाता है, लेकिन जब वो अपने राज्य से बाहर आते हैं तो उन्हें किसी न किसी प्रकार का भेदभाव सहना पड़ता है। तो ये कुछ
फैक्ट्स हैं, ये कुछ जनरल बातें हैं जिसको लेकर लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर जागरूक होंगे तभी जाके लोगों के मन में जो भेदभाव है वो कम होगी, दूर होगी। और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो वाकई हमारे देश को दर्शाते हैं, उनका जो दिल है, उनका जो उनकी जो आत्मा है वो हमारे देश की आत्मा है। तो ये सबसे खूबसूरत भाग है हमारे इस फिल्म का। Also, सर कैसा एक्सपीरियंस रहा, जो एक्टर्स है काफ़ी नोन है, अगर डायरेक्टर साहब की बात करें उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबके सब मुझसे बहुत सीनियर और मुझे सीखने का ही मौका मिलता है और अभी भी मिल रहा है। मुझे इंडस्ट्री में ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ 5 साल हुए हैं, लेकिन और मैंने भी ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं किए हुए हैं। और जितने भी एक्टर्स हैं सब मेरे से बहुत सीनियर है और उनसे एक एक क्षण, एक एक पल मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। डायरेक्टर सर के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट में काम किया था, उसके ज़रिए से मेरा उनका परिचय हुआ और हम आगे आज इस लेवल तक आए हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।